बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपको कहा था तकरीबन एक साल पहले कि पाकिस्तान में वो फेस आने वाला है जब इतनी ज़्यादा ब्रेकिंग न्यूज़ होगी, चोर चक्कों को कोई इधर पकड़ा जा रहा है, कोई उधर पकड़ा जा रहा है और आपको समझ नहीं आएगी। मज़ीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें कि कौन सी ब्रेकिंग न्यूज़ पर फोकस करें और कौन सी छोड़ें। वो फेज आपको शुरू होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन उसके साथ आपके पड़ोस के अंदर भी जो खतरनाक सूरत हाल पैदा हो रही है उसको भी जरा अच्छी तरह आप समझ लीजिए। भारत ने फैसला किया है कि वो 114 एयरक्राफ्ट न्यू टेक्नोलॉजी के लेने जा रही है और यूएस की बड़ी बड़ी कंपनियां लॉकहीड मार्टिन या दूसरी, इन सबसे बहुत बड़ा मुआहदा होने जा रहा है। और ये 114 एयरक्राफ्ट वो किस मकसद के लिए इस्तेमाल करने जा रहे हैं, ये तमाम के तमाम वो इस्तेमाल करने जा रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ। इसका ये मतलब है जो अफगानिस्तान के अंदर बहुत बड़ी खाना जंगी होने जा रही है, उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ अब बड़े महाज पर लड़ाई का प्लान बना लिया है। देखिए, एक चीज़ आप अच्छी तरह समझ लीजिएगा कि पाकिस्तान ने जो हालिया इनके जहाज गिराए हैं, बहुत ज़्यादा एयरक्राफ्ट गिराए हैं, जो हमने अभिनंदन को जब पकड़ा उसने बहुत सारी जो चीज़ें उगली हैं, जो इंकशाफात की हैं, उसके बाद से इंडियन एयरफोर्स काफ़ी उसका मोराल गिर चुका है और उस मोराल को बेहतर करने के लिए, उस सारी सूरत हाल को बेहतर करने के लिए और पाकिस्तान के खिलाफ लड़ने के लिए इन्होंने नई पॉलिसी अब बना ली है। देखिए, आज से पहले ये अपनी आवाम को बनाते रहे बेवकूफ़ कि जी पाकिस्तान की एयरफोर्स बुरी है, अपनी मीडिया इंडस्ट्री अपनी फिल्मों के अंदर दिखाते रहे जी। हर दफा आप देखिए, कोई चोर पकड़ा जाए उसको आईएसआई का एजेंट बनाते हैं, उसके बाद पाकिस्तानी फौजी दहशतगर्द बनाकर पेश किए जाते हैं। यानी इतना निकम्मा बनाकर पाकिस्तान की फौज को पेश किया जाता रहा, लेकिन जब लड़ाई हुई, जो कि 65 लास्ट टाइम था जब पाकिस्तान और भारत की लड़ाई हुई और हमने उनके जहाज गिराए और बड़ा कुछ उनको शिकस्त दी, उसके बाद से लेकर आज तक इन्होंने कभी हमसे डायरेक्ट लड़ाई तो नहीं लड़ी। उसके बाद हमेशा प्रॉक्सी, 1971 के अंदर इन्होंने प्रॉक्सी वॉर लड़ी, हमारे अंदर से गद्दार खड़े करते हैं और फिर मारते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, उसके बाद 2019 को पहली दफ़ा इनसे हमारी लड़ाई हुई और इस सारी सूरत हाल में हमने उनको नेस्तो नाबूद कर दिया। ये बालाकोट का जो स्ट्राइक था जो फेल हुआ, उसके बाद फिर पाकिस्तान ने कई तो ऐसे जहाज जो कि हम उनके अंदर मार कर आए हैं वो तो हमने काउंट ही नहीं किए, लेकिन उसके बाद ये जो आपको हर रोज़ खबरें नज़र आ रही, फलाने जहाज गिर गया, फलाना गिर गया, आपको क्या लगता है कि ये सिर्फ टेक्निकल फॉल्ट है? हम इतने ज़्यादा जहाज उनके गिरा देते हैं, हमारे लोग अंदर तक उनके घुसे हुए हैं, लेकिन हम ऑफिशियली इसको एक्सेप्ट नहीं करते क्योंकि इंडिया एक इंतहाई बुरा हमसाया है। और याद रखिएगा, हम दोस्त अच्छे चुन सकते हैं लेकिन हमसाया चुनना हमारे बस में नहीं होता, वो ऑटोमेटिकली मिलता है। और बताएं, पूरी कायनात के अंदर आप इस रुए ज़मीन पर देख लें, इतना बदतरीन हमसाया दुनिया में किसी का हो सकता है जो पाकिस्तान का है? यानी हमारे लिए सुकून का कोई लम्हा नहीं है। अब इस सारी सूरत हाल के अंदर जो 114 इन्होंने जहाज खरीदने जा रहे हैं, इन्होंने एक्चुअली पूरी तैयारी कर रहे हैं जंगों की। देखिए, अगर ये खरीदने जा रहे हैं तो पाकिस्तान भी अपनी तैयारी कर रही है। जो आपको लूटा पैसा नजर आ रहा है, ये इनसे जो लेना है चोरों से, उसके बाद आपने रूस से 10 अरब डॉलर्स के हथियार खरीदने, जो आपको हकीकत टीवी ने वीडियो बनाकर दी थी चंद महीने पहले कि हम रूस से खरीदने जा रहे हैं, क्योंकि हकीकत टीवी को ये मालूम थी और आप तक पहुंचाई थी कि चोरों से हमने पैसा लेना है और वो रियासत ने फैसला किया और इमरान खान ने बिल्कुल लब्बाइक फाइनली कह दिया कि अब वो साथ है। और अब आप देखें इमरान खान का एग्रेशन, वो इस बात को कह ही नहीं रहे कि किसी को बाहर भेजना नहीं, वो कहते हैं पैसा दो और जाओ। यानी बिल्कुल पहले वो कहते थे कि मैं नहीं छोड़ूंगा, अब उनको समझ आ गई है, रियासत ने भी उनको समझा दिया है और उनको इस बात का इदराक है कि पाकिस्तान के हालात जो हैं वो पैसों से ही ठीक हो सकते हैं। अब सूरत हाल किस तरफ जा रही है, देखिए आने वाले वक्त के अंदर अफगानिस्तान में लगने लगा बहुत बड़ा स्टेज, मैदान लगने लगा। पिछली वीडियो में आपको बता चुके हैं कि ब्लैक वाटर वहाँ पर आ चुका है। पाकिस्तान, रूस, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान की जब बात होती है तो अफगान तालिबान की बात होती है, ये अशरफ गनी वाला जाली अफगानिस्तानी, इन्होंने पाकिस्तान के साथ लड़ना है क्योंकि अगर इंडिया लड़ाई लड़ेगा तो वो कोई आम जंग नहीं लड़ेगा, वो पूरी कोशिश करेगा कि वो अखंड भारत वाली लड़ाई लड़े, यानी पूरे खित्ते के आग लगाने की सूरत हाल वो पैदा करे। अब पाकिस्तान को क्या करना है, पाकिस्तान अपने नए JF-17 थंडर ले रहा है, लेकिन उसके बाद जो अहम तरीन खबर है वो इस बात को भी समझ लें कि पाकिस्तान तुर्की से भी खरीदेगा,
नए एयरक्राफ्ट्स और पाकिस्तान रूस से भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी डील फाइनलाइज होने जा रही है और इंशाल्लाह वहां भी हम अच्छे खासे हथियार ले रहे हैं। इंडिया ये जो एयरक्राफ्ट्स ले रहा है वो इसलिए नहीं ले रहा कि पाकिस्तान अपने पास बहुत कुछ बना ली, उसको पता है कि अब चूंकि पाकिस्तान जा रहा है और S-500 अल्लाह ने चाहा S-400 इनमें से जो भी हमारी डील फाइनलाइज होगी हम रशिया से लेंगे, तो वो किसको तबाह करने हैं हमने क्या अफगानिस्तान के अंदर करना है? अफगानिस्तान में तो अफगान तालिबान आ जाएंगे और उनके साथ मिलकर हमारी लड़ाई होनी है ब्लैक वाटर के साथ और दाइश के साथ, लेकिन हमने दूसरी जानब तबाह करने हैं इंडिया के। हमारे एयरक्राफ्ट तो हैं काफ़ी लेकिन बहुत सारे मिसाइल उनके तबाह करने, इस सारी सूरत हाल के अंदर एक स्टेज सजने जा रहा है और इन्होंने पूरी तरह तैयारी कर ली है। इंशाल्लाह आने वाले दिनों के अंदर आपको पाकिस्तान बहुत बेहतर सूरत हाल में जाता हुआ नजर आएगा। दोस्तों हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।